आप हमारे देश के मशहूर डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू। आपका अपना लेबल है जेम्स फेरेरा लेबल। आप हेरिटेज में काम करते हैं, हैंडलूम्स में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं। आप मुझे बताइए हेरिटेज अगर आप किसी बिल्डिंग या कपड़े या कोई भी पारंपरिक हुनर की बात करें तो ये हमारी परंपरा से आता है और अगर हमें इसे आगे ले जाना है तो हमें इसे बढ़ावा देना होगा। Encourage all of this and foster heritage. Right. तो ये skills, जी, आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे? I've started. मैंने हैदराबाद में स्कूल शुरू किया जिसका नाम है डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो की पारंपरिक कलाओं को पढ़ाता है। जो आप स्किल्स पढ़ाएंगे या समझाएंगे वो हैंडलूम्स में आप किस तरह की स्किल्स आप उनको सिखाएंगे? आई वॉन्ट टू टीच देम स्पिनिंग। मैं उन्हें कताई सिखाऊंगा, बुनाई, पारंपरिक डाई करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय साड़ी पहनने के 108 तरीके। इट इज सैड दैट टुडे आज ये बड़ी दुख की बात है, हम लोगों को केवल 4 से 5 तरीके ही पता है जिसमें सीधा पल्लू, उल्टा पल्लू, आसाम की हाफ साड़ी, बस इतना ही। And that's it. साड़ी भी तो बनती है, जो वो हुनर है हैंडलूम्स में हाथ का, उसमें आप कैसे हुनर सिखाते हैं? इन हस्तशिल्पियों को हम लेक्चरर बनाए। अगर हमारे यहाँ ये लोग सिखाने आएंगे, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो जो हुनर हम लोग नहीं सीखना चाहते उन्हें सिखाते हुए इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी फ्रेंच या इटालियन लड़की को ये बताना मुश्किल है कि ये बनता कैसे है, पर अगर हम कैमरा लेकर जाए lessons, there's virtual everything. उनके सामने रखे, उन्हें फॉलो करें, उनका काम रिकॉर्ड करें और बाद में उसे बाहर भेजें। And then send it out. Handlooms में और handicrafts traditional जो हैं उसमें value देखने के लिए क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा लोग? If we can take these skills and make them modernized. अगर हम skills या हुनर को लेके उन्हें modern बनाएं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आजकल टाइन एंड डाई तरीके का इस्तेमाल करके ड्रेसेस बना रहा हूँ। जैसे किस तरह की ड्रेसेस? वेस्टर्न ड्रेसेस। आप ये जो वेस्टर्न टाइप ड्रेसेस बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है या हमारे अपने देश के मार्केट के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जहाँ जैसे मैं कटिंग करते हैं वो इंडियन फिगर के ऊपर बहुत अच्छा दिखते हैं। Oh, wow. क्योंकि वो ड्रेप के हिसाब से किया है। जो सब मेरा कपड़ा में सिर्फ एक ही सीम है। एक ही सीम है, यानी कि टेलरिंग की जरूरत कम है? बहुत कम। ये कैसा है, इसका बताइए? दिस इज टोटली डिफरेंट। ये काफी अलग है। यहाँ मैंने कपड़े को लेकर एक ही जगह पर सीम का इस्तेमाल किया है। मैं पहले कपड़े सी लेता हूँ और बाद में उन्हें टाई एंड डाई करता हूँ। वेज ऑफ द टाई एंड डाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रहे हैं कि ये जो आप टाई एंड डाई आपने जो किया है वो ड्रेस बनाने के बाद आप करते हैं? हाँ। कंट्रोल आता है उसका? हाँ, जरूर। और फिर मुझे कई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं और कई पैटर्न्स मिलते हैं। अगर हम इसे पारंपरिक तरीके से करें जैसे बांधनी में है तो ये ऐसे ही है। बहुत कम मैंने देखा है कि फैशन डिजाइनर्स पढ़ाते भी हैं। आप टीच करते हैं? जी। कब से टीच कर रहे हैं? 25 साल अब। 25 साल से आप टीच कर रहे हैं। आपका टीच करने का टेक्निक क्या है? आई टीच टू लर्न। व्हाट एन आईडिया। मुझे लगता है वो सबसे अच्छा तरीका है। एक्सप्लेन दैट। Because there's always something. क्योंकि हमेशा बच्चों के तरफ से कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ऐसा जिसे हमने सोचा नहीं होगा। कि ये समझना कि वे क्या देख रहे हैं और उन्हें अगले लेवल तक ले जाना, ये केवल सिखाना नहीं सीखना भी हो जाता है। तो आपने अपने डिजाइन जो है फैशन के डिजाइन आपने लैक्मे फैशन वीक में भी दिखाए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम है क्या? For me, it's fun. मेरे कपड़ों में नववारी साड़ी थी, शोलापुरी ब्लैंकेट्स थे जिनको मैंने ओवर डाई करके जीन्स बनाए थे। अब मैं आपको इसका एक और भारतीय फीचर बताता हूँ। ये मतलब ये ऐसा ड्रेस है जो आप इसको लंबाई में पकड़िएगा ऐश्वर्या जी, अगर आपको एक्चुअली पहनना हो तो वो इसका जो है नीचे तक फॉल जाएगा ना? हाँ। And what happens is because of this drape fabric. क्योंकि इसका ड्रेप इस तरह से नीचे आ रहा है, ये हमारी कमर को सॉफ्ट लुक देता है।
दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया. ये भारत की फैशन की खूबी है और यही खूबी मैं अपने कपड़ों में उतारते रहता हूँ. इन माय गार्मेंट्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर थिंकिंग एंड योर थॉट योर डिजाइन व्हिच ब्रिंग्स ब्यूटी रेलेवेंस एस्थेटिक्स एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ऑल टुगेदर इन वन गार्मेंट एंड वैल्यू फॉर मनी व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज व्हाई दिस गार्मेंट विल सेल. दैट्स राइट एंड थैंक यू for this value for money interview, James. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you very, very much. All the best in the future.